guys, welcome back to my YouTube channel. I am Divya Vijay Vargia and I post content around skincare, beauty and fashion. If you are new to my channel, please take a moment and do subscribe and notification ki bell icon bhi on kar lena. So, today's video is another first impression of a newly launched sunscreen from Dot & Key. The sunscreen which we are gonna be talking about is a tinted sunscreen. So, tinted sunscreens are very good for people like me who have acne and acne scars on the face. In general, koi bhi use kar sakta hai. And tinted sunscreens can also be a replacement for BB creams or फाउंडेशंस फॉर अ डेली पर्पस. वो आपको एक कवरेज काइंड ऑफ प्रोवाइड अगर कर देते हैं तो आपको मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अभी न्यूली लॉन्च हुआ है डॉट एंड की का सनस्क्रीन. आई हैव ट्राइड रिक्विल का टिंटेड सनस्क्रीन जो बहुत ट्रांसफर करता है. इट हैज़ अ गुड कवरेज. थोड़ा ऑरेंज कर देता था वो मेरे स्किन को एंड ट्रांसफर होता था वो मेरे सारे टॉप्स गंदे हो गए थे उसकी वजह से. तो फिर मैंने उसको यूज़ करना बंद कर दिया था. उसके अलावा आई हैव ट्राइड डर्माको का टिंटेड सनस्क्रीन. सो पहले जो बड़ा वाला बॉटल आया था वो उनका बहुत अच्छा शेड मैच था मेरे लिए एंड ट्रांसफर भी नहीं होता था एंड मुझे अच्छा लगा था वो. बट फिर उन्होंने छोटा वाला पैकेजिंग में जो लॉन्च किया था उसका फॉर्मुलेशन बहुत अलग था दैन द बड़ा वाला बॉटल. एंड उसका एज इन फॉर्मुलेशन एज इन उसका शेड बहुत अलग था. फॉर्मुलेशन में बोलो तो मैं जब उसको रब करती थी मेरे फेस पे तो बहुत अजीब सा वो अटक जाता था मेरे स्किन में, लाइक स्टिक हो जाता था वो ड्राई पैचेस पे. तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था. सो टॉकिंग अबाउट द डॉट एंड की सनस्क्रीन नाउ विच हम अभी अप्लाई करके देखेंगे कि ये कैसा है. पहले मैं इसका पैकेजिंग दिखा देती हूँ. एंड मैंने इसको लिया है 345 रुपीज में यूजिंग माई डिस्काउंट कोड एंड थोड़ा ऑफ था तो शायद वेबसाइट पे. अगर आपको नहीं पता है आई एम अफिलेटेड विद डॉट एंड की, यू कैन यूज माई डिस्काउंट कोड फॉर डिस्काउंट ऑन डॉट एंड की वेबसाइट. तो आपको थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड ओरिजिनली ये प्राइस है सनस्क्रीन का 545 रुपीज. मुझे लिटरली 200 रुपए कम मिला है. 300, 400, 500. हाँ, 200 रुपए कम मिला है मुझे. तो काफी अच्छा डील था मेरे लिए पैकेजिंग. अच्छा हुआ पहले मैंने देख लिया. सो मैंने टू फिंगर्स लिया है एंड टेक्सचर मैंने बोला था कि मैंने सैंड लिया है. आई थिंक थोड़ा ब्राउनिश रहेगा बट अभी मैं मर्ज करने वाली थी. इससे पहले मुझे ध्यान आ गया कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है बट नाउ मैं ब्लेंड कर लेती हूँ फटाफट. ऑल्सो टेक्सचर आपने देख ही लिया होगा कि काफ़ी ज़्यादा लाइट है. आई होप ये ऑयली ना हो. क्या लगता है आपको गाइस, मैं भूत लग रही हूँ? वाइट कास्ट तो नहीं है बट वो थोड़ा फेयरनेस वाला एक शेड आ रहा है. आई एम थैंकफुल कि मैंने इससे लाइट शेड नहीं लिया. कवरेज यू कैन सी पहले मेरा स्किन कैसा था. अभी इसने थोड़ा कवर तो किया है एक्ने स्कार्स को. आई थिंक विच इज सफिशियंट. लाइक इससे ज़्यादा आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए टिंटेड सनस्क्रीन से. एंड दिस इज लाइक अ गुड कवरेज फॉर मी फॉर अ डेली बेसिस. अगर मुझे कहीं नहीं जाना है या मुझे सिर्फ ग्रॉसरी लेने जाना है तो दिस इज अ गुड थिंग. हाँ ठीक है, इसने ऑयली भी नहीं किया है. ये आई एम सो हैप्पी आई फाउंड अ गुड टिंटेड सनस्क्रीन. कैमरा में तो मुझे अच्छा शेड लग रहा है. लाइक आई एम कमिंग थोड़ा मोर क्लोज. यू कैन सी कुछ पीलिंग नहीं हुआ है एंड वो कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है. आई थिंक इट इज लुकिंग गुड ओनली. आई एम सो हैप्पी. डॉट एंड की, यू डिड अ गुड जॉब. नाइस. बट आई एम नॉट श्योर कि मुझसे जो डार्क और स्किन टोन वाले पीपल होंगे उनको ये शेड तो पक्का नहीं सूट करेगा. तो आपको थोड़ा अगर इससे, आई थिंक इससे एक और डार्क शेड है. मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी सारे शेड्स कौन कौन से हैं. एक बेज है, एक सैंड है और एक
पोर्सलेन कुछ था. पोर्सलेन इज सबसे ज्यादा लाइट, सैंड इज बीच का एंड बेज इज इससे थोड़ा डार्क. बट स्टिल मुझे लगता है कि जो ज्यादा डार्क स्किन पीपल होंगे ना उनके लिए वो नहीं रहेगा, बट आप ट्राई कर सकते हो. मुझे काफी अच्छा लगा ये सनस्क्रीन. आई एम वेरी वेरी हैप्पी. कितना अच्छा कवरेज दे दिया है, लाइक मिनिमल सा कवरेज है बट इट इज नाइस. मेरा स्किन पहले बहुत ज्यादा रेड था, रेडनेस चले गया है. यू कैन सी लाइक अप क्लोज रेडनेस काफी चले गया है एंड जो एक्ने का ज्यादा विजिबल था वो भी कम हो गया है. थोड़ा तो रहेगा ही, विच आई एम ओके विद कम्प्लीटली. एंड बिल्कुल ग्रीसी नहीं लगा. पहले जो सनस्क्रीन्स आपने रिव्यू देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आई मेंशन हियर, बट पहले कितना ग्रीसी ग्रीसी वाली सनस्क्रीन्स अभी मैंने रिसेंटली ट्राई करी थी. आई एम सो हैप्पी. बिल्कुल मुझे चिपचिप नहीं लग रहा है, वैसा ही लग रहा है जैसे आप बेबी क्रीम लगाते हो ना, वैसा ही लग रहा है. सो हम रीअप्लाई भी करेंगे सनस्क्रीन को. आई एम वेरी हैप्पी. बाय गाइस. The next day. Hi you all, welcome back. So कल मैं reapply नहीं कर पाई थी sunscreen क्योंकि मैं office चली गई थी and मैं वापस आई थी but मैंने makeup लगाया हुआ था तो makeup पे I didn't wanted to reapply using this. I mostly use sunstick for reapplication when I have applied makeup and जब मैं बाहर जाती हूँ. But today is the next day and अभी मैं first time sunscreen लगा रही हूँ. फिर आज reapply हम पक्का करेंगे. अभी मैं sunscreen लगाने में late हो गई हूँ क्योंकि सुबह से मेरे calls हैं. तो हम फटाफट रीअप्लाई नहीं, हम फटाफट अप्लाई कर लेते हैं सनस्क्रीन को एंड शाम को फिर हम रीअप्लाई कर लेंगे. सो आई एम टेकिंग टू फिंगर्स अगेन. कल मैं ये नहीं दिखा पाई थी बट मेरा कॉल है 10 मिनट में. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक ऑन माई फिंगर्स एंड मैं इसको फटाफट अपने फेस पर लगा लेती हूँ. सो कल मैंने ऐसे ही किया था इसको कि मैंने थोड़ा स्प्रेड कर लिया था ताकि एप्लीकेशन ईजी पड़े मुझे एंड वो स्प्रेड अच्छे से हो जाए, कहीं अटके नहीं. एंड थोड़ा नेक पे लगा लेंगे. नाउ आई एम कमिंग थोड़ा क्लोज एंड हम इसको ब्लेंड कर लेंगे. तो आपने देखा होगा कि जब हम इसको ब्लेंड कर रहे होते हैं ना तो एक पॉइंट पे आपको ऐसे लगता है कि इट इज़ नॉट ब्लेंडिंग एंड मतलब बहुत वाइट कास्ट दे रहा है आपको, अजीब सा लग रहा है आपके, मे बी शेड का नहीं है. बट आपको जस्ट थोड़ा पेशेंट रह के उसको एक बार अच्छे से ब्लेंड करना है. ईजिली बहुत जल्दी आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाता है एंड ग्रीसी भी नहीं लगता है. तो वो ब्लेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सनस्क्रीन को थोड़ा तो ब्लेंड करना पड़ेगा एंड बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता है मेरे स्किन पर. लाइक आपने अभी तक अगर मेरे वीडियोज़ देखे होंगे तो आपको पता है कि मुझे बहुत जल्दी इरिटेशन हो जाती है कोई सनस्क्रीन से, अगर वो मेरे स्किन पर हैवी लगता है या ग्रीसी हो जाता है या स्टिकी लगता है मुझे एप्लीकेशन के बाद. बट इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है. अभी थोड़ा भी अगर लग रहा होगा तो वो 5 मिनट्स के बाद एकदम ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. आई रियली लव दिस सनस्क्रीन एंड अभी हम इसको थोड़ी देर के बाद रीएप्लीकेशन भी करेंगे. अभी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा कवरेज मुझे मिल गया है, मैंने कल भी दिखाया था आपको. एंड मतलब आप इसको शीयर बोलो या मीडियम बोलो आई डोंट नो, बट मेरे लिए काफ़ी अच्छा कवरेज मुझे है, डेली वेयर के हिसाब से काफ़ी ठीक है. सो आई विल सी यू गाइस इन सम टाइम नाउ. हेलो गाइस वेलकम बैक. सो मैं सो के नहीं आई हूँ, मैं बहुत सारे कॉल्स में बिजी थी. अब हम रीएप्लीकेशन कर लेते हैं. टॉकिंग अबाउट द कवरेज, थोड़ा सा ना जो कवरेज था वो चला गया है. सो बेसिकली दैट मीन्स कि रीएप्लीकेशन का टाइम हो चुका था जो मैंने नहीं किया है. बट स्टिल आई कैन सी अ लिटिल अमाउंट ऑफ
बीबी क्रीम बोलने वाली थी, बट अ लिटिल अमाउंट ऑफ टिंटेड सनस्क्रीन ऑन माई फेस विच इज गुड. लाइक अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ और मैं नहीं अप्लाई कर पाई तो मुझे स्टिल वो बीबी क्रीम और इफेक्ट मिलेगा. बट अभी फटाफट रीअप्लाई कर लेते हैं. मेरे पॉइंट्स वैसे तो रेडी है तो आई एम गुड विद द सनस्क्रीन, बट फटाफट रीअप्लाई कर लेते हैं. सनस्क्रीन पिल नहीं हो रही है फेस पे, चाहे मैं जितनी भी बार लगा लूँ, चाहे मैं जैसे भी रब कर लूँ, जितनी भी बार रब कर लूँ, पिल नहीं हुआ है फेस पे. एंड वन मोर थिंग, मेरे फिंगर्स को देखो, कर ले कैच. हाँ देखो, यहाँ पे भी सनस्क्रीन रह जाता है, मतलब फिंगर्स पे उसका क्या बोलूँ, रह जाता है थोड़ा फॉर्मुलेशन. बट ठीक है, मतलब फेस फिंगर्स आप धो सकते हो उसके बाद, ये तो बस पिक करने वाली बात होगी. आई एम गुड विद द सनस्क्रीन. प्राइस पॉइंट इज ओके. डिस्काउंट कोड लगा सकते हो आप, मेरा यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, दिव्या वी आई. एंड फॉर्मुलेशन की बात करूँ तो फॉर्मुलेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा. लाइट वेट है तो मुझे समर्स में प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो मुझे विंटर्स में क्या ही प्रॉब्लम होगी. सो आई एम गुड विद दिस. इट इज़ नॉट स्वेट प्रूफ. बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि स्वेट प्रूफ है क्या, इट इज़ नॉट स्वेट प्रूफ. तो मतलब आजकल सनस्क्रीन यार जो हैवी वेट होती है ना, वो ही होता है मोस्टली. आइडियली देखे तो स्वेट प्रूफ जो मिनरल सनस्क्रीन होती है, जो सिलिकॉन सनस्क्रीन होती है. So I am okay with that. I don't have any problem with that personally. The shade is a perfect match for me. मुझे light नहीं लगा, मुझे dark नहीं लगा. जब मैं videos वगैरह में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये मुझे dark लगेगा face पे, मुझे लगता है porcelain ज़्यादा better होगा. But जब आपने देखा होगा कि जब हम इसको लगाते हैं ना, तो it is kind of leaving a texture behind. It is kind of leaving a form. It is kind of leaving a shade behind on your skin. तो porcelain अगर मैं लगाऊंगी तो वो मुझे बहुत ज़्यादा लाइट कर देगा. तो सैंड इज़ अ परफेक्ट मैच फॉर मी. बेज मेरे लिए थोड़ा डार्क हो जाता. ऑल्सो ये जो टिंटेड सनस्क्रीन है, ये थोड़ा येलोइश स्किन टोन वाले ज़्यादा है. तो अगर आप न्यूट्रल या जो दूसरा स्किन टोन होता है उसके हो, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा वाइट कास्ट रहेगा. मैं मीडियम स्किन टोन, लाइक न्यूट्रल स्किन टोन आई थिंक मैं बिली मैं हूँ, तो मुझे सूट कर रहा है. उतना येलो नहीं है स्किन टोन इसका, तो दैट इज़ गुड. वरना थोड़ा ज़्यादा येलोइश लगता. आई लाइक द ओवरऑल फिनिश इट गेव टू माई स्किन. बिल्कुल भी ड्यूई वाला फिनिश नहीं है, जो मेरे को एकदम पसंद है. मैट फिनिश है. और मैं इसको अभी वापस अगर टच करूँ ना, तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगता है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं लगता है, विच आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट. सो ओवरऑल द सनस्क्रीन वॉज अ वेरी बिग हिट फॉर मी. मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी सनस्क्रीन. और कोई टिंटेड सनस्क्रीन मुझे नहीं पता है जो इससे ज्यादा मुझे अच्छी लगी हो, जितने भी मैंने ट्राई किए हैं. आपको अगर कोई अच्छी टिंटेड सनस्क्रीन पता है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल ट्राई देम. आई वॉन्ट टू इनकॉर्पोरेट टिंटेड सनस्क्रीन मोर इन माई रूटीन, क्योंकि मुझे एक्ने स्कार्स एंड एक्ने का प्रॉब्लम है. एंड टिंटेड सनस्क्रीन डू हेल्प विद दैट, ऐसा मैंने सुना है. और मैंने किसी के इंग्रीडियंट्स नहीं पढ़े थे, बट आई वॉन्टेड टू रीड इफ इट हैज जिंक ऑक्साइड. ओके, इट हैज टाइटेनियम डाइऑक्साइड. सो बेसिकली जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड होता है, मुझे नहीं पता अगर दोनों सेम होता है, डोंट कम एट मी, मेरा केमिस्ट्री बहुत गंदा है. बट अगर दोनों हाँ, तो ये होता है अगर टिंटेड सनस्क्रीन में, तो दैट टिंटेड सनस्क्रीन इज गुड. हाउएवर ये थोड़ा नीचे है लिस्ट में, तो इसका क्वांटिटी, इसका जो क्वांटिटी, इसका जो परसेंटेज है वो थोड़ा कम होगा. बट ठीक है, इट ऑल्सो हैज़ नायसिनामाइड विच आई कैन सी. उसके अलावा मुझे कोई इंग्रेडिएंट्स मेरे पहचान के नहीं लग रहे. पॉलीमर वगैरह तो केमिस्ट्री में पढ़ा था यार. ग्लिसरीन है इसमें, इसलिए हाइड्रेटिंग है सनस्क्रीन. यस, सो ये तो ऐसे ही बस नॉलेज के लिए मैं देख रही थी.
बट मुझे फॉर्मुलेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द सनस्क्रीन भले ही अब इंग्रेडिएंट्स में चाहे जो हो वो जो इंग्रेडिएंट्स वाले दिखते हैं उनके लिए छोड़ देती हूँ मैं. ओवरऑल कंक्लूजन इज आई रियली लाइक द सनस्क्रीन. आपको अगर टिंटेड सनस्क्रीन में थोड़ा इंटरेस्ट है या फिर अगर आपको एक्ने एक्ने सेल्स का प्रॉब्लम है तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई करना. लेके रखो सनस्क्रीन. टिंटेड सनस्क्रीन आर गुड लाइक फॉर डे टू डे बेसिस, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है. सो अब मैं ख़त्म करती हूँ, बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में एक पिंक हार्ट डाल देना ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो पूरी देखी है. एंड अगर नहीं देख रहे हो तो क्यों नहीं देख रहे हो पता नहीं मुझे. मोर वीडियोज़ कमिंग वेरी सून. कुछ हॉल्स भी आने वाले हैं मीशो के. सो स्टे ट्यून्ड. बाय बाय. नजर ना लगे.